सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वाद ऑफिशियल। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस ना मिस ना कर बैठे। और आज जो हमारी सवारी है, आज जो हमारी खाने की तलाश है, हमें लेके आई है अमर कॉलोनी के में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक भैया हैं डी के एक सेंटर के नाम से बड़े मशहूर हैं और अंडे की रेड़ी यहाँ पर लगाते हैं। तो आप कहेंगे कि यार ये क्या है, तो अंडे की रेडी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं, इनका क्या डिफरेंट है? इनका ये डिफरेंट है जी कि ये बहुत सारे ऑमलेट के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने सुना है इनका जो पिज़्ज़ा ऑमलेट है या इनका एग पोच जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी मेकिंग भी आपको दिखाऊँगा। और उसके अलावा इनका चिकन सलामी सैंडविच है और उसके अलावा इनका जो चिकन चीज़ सैंडविच है वो भी बहुत फेमस है, वो भी कवर करेंगे, वो भी खाएँगे, उसके भी मज़े लेंगे और आपको भी इसका स्वाद चखाएँगे। तो आइए हम भी चलते हैं, अपनी तलाश को जारी रखते हैं और खाते हैं कुछ अलग हट के अंडे, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। आ जाओ, हम आ गए हैं डी के एक सेंटर अमर कॉलोनी में, आ जाओ जी मेरे साथ। नाम दिनेश यादव है, मैं झारखंड से विलेज करता हूँ और मैं यहाँ करीबन 20 साल से हूँ। तो मैं फर्स्ट में यहाँ बॉयल और ऑमलेट के अलावा कुछ नहीं आता था मेरे को, पर मैंने धीरे धीरे खुद ही एक्सपेरिमेंट करके और आज मैं काफ़ी सारे चीज़ बनाता हूँ, जैसे कि ब्रेड ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, चिकन चीज़ ऑमलेट, सलामी ऑमलेट, सीख कबाब ऑमलेट, एग पोच, एग पिज़्ज़ा, बॉयल एंड फ्राइड एग, और मैगी में भी मैं करता हूँ, उसमें चीज़ मैगी, मसाला मैगी और चिकन चीज़ मैगी। तो ये सारे चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ और तकरीबन यहाँ अभी मेरा 25 से 20 ट्रे की सेल है और धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छा से कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बढ़िया बना के लोगों को खुश करूँ। आप YouTube खोल लो, आपको कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कभी ना कभी दिखाई दे ही जाता है, इतनी सारी वीडियोस डलती हैं और कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। और या आप बाहर निकलो मार्केट में तब भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसे ही अमर कॉलोनी में एक अंडे की रेडी है जो कि आपने देखा कि कितने अमेजिंग तरीके से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटिंग है उसको भैया यहाँ पे करते हैं, कितने सही तरीके से और कितने अनोखे तरीके से यहाँ पे अंडों को एक नई पहचान दी जाती है।
तो हमने तीन अलग अलग वैरायटी के आपने देखा अंडे बनवाए हैं, और एक तो है जी एग पिज़्ज़ा, और दूसरा है हमारे पास एग पोच जिसकी कीमत है मात्र 30 रुपये। अमूल बटर आपने देखा कितना सारा इसमें डाला। और तीसरी आइटम हमने बनवाई है जी चिकन चीज़ ऑमलेट, बहुत ही गजब, बहुत ही मज़ेदार, कीमत सिर्फ 80 रुपये। आज सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग पोच के साथ, क्योंकि इसको देख के ना मुझे सच में नहीं रुका जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा था। अमूल बटर, साथ में अंडे, साथ में वेजिटेबल, साथ में चॉप मसाला, जन्नत। वाओ, पैसा वसूल है 30 रुपये, सच बता रहा हूँ। मेरी मानो, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से इसमें से योग बाहर आ रहा है, लाजवाब। मेरी मानो, इसको घर में ना पैक करा के ले जाना, और अपनी माता श्री को या अपनी वाइफ को या अपनी बहन को, कोई भी घर पे हो जो रोटी या परांठा बनाता हो, उनको बोलना कि एक गर्मा गर्म नमक का अजवाइन वाला परांठा बना दो, उसके साथ इसको खाना, जन्नत ना नसीब हो जाए ना, तो मुझे बताना। दूसरी आइटम जी ये है एग पिज़्ज़ा, इन्होंने हमारे एग पिज़्ज़ा में डाले 3 अंडे, 3 ब्रेड और बहुत सारा, या क्या बात है, ये देखिए इसकी बाइट लेंगे, इसकी कीमत है 60 रुपये। लेट्स टेस्ट दिस। बढ़िया है, लेकिन अगर इसका नाम पिज़्ज़ा है ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और होता ना, नज़ारे आ जाते। लेकिन स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है, और वैसे भी किसी भी चीज़ में अमूल बटर डाल दो उसका स्वाद तो दोगुना हो ही जाता है। एक और चीज़ जो इन्होंने हमारे लिए बनाई वो है जी ये, जो कि है फुली लोडेड चिकन चीज़ ऑमलेट। ये देखिए, अरे क्या बात है, घर से ही चिकन की प्रिपरेशन करके लाते हैं और ऑमलेट तो ताज़ा आपके सामने बनाते हैं। बटर कितना डाला वो भी आपने देख लिया, उसके बाद चीज़ की एक स्लाइस डाली, और उसके बाद इसकी एक बाइट लेते हैं। वाओ, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना तो ये आपके लिए, क्योंकि चिकन एकदम खट्टा मीठा तीखा बहुत मज़ेदार है, और चीज़ जब मिल रहा है ना चिकन के साथ लाजवाब फ्लेवर दे रहा है। लेकिन अगर आप कैलरी कॉन्शियस है ना तो इनका तो ऑलिव ऑयल भी है, उसमें बनवा लेना, मज़ेदार है। एक बार ज़रूर आना हमारे कॉलोनी में डीके अंडे वाले के पास, बहुत सारी वैरायटीज और भी हैं, ये जो 3 है इनकी स्पेशलिटी है। एड्रेस वड्रेस सब आपको मैं नीचे दे ही दूँगा। भाई को बोलते हैं जी डीके, और झारखंड से आए हैं। भैया कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 20 साल हो गए भैया जी। 20 साल से ये काम कर रहे हो जी भैया? भैया शुरुआत किससे की थी? शुरुआत से हम सिर्फ ब्रेड ऑमलेट बनाते थे और बॉयल एग बनाते थे। क्या बात है, तो भैया आजकल क्या स्पेशल चल रहा है मेन्यू में? मेनू में चीज़ ऑमलेट और चिकन चीज़ ऑमलेट। क्या बात है, सीख कबाब, मसाला चीज़ ऑमलेट, ये सबसे ज़्यादा। दिन में कितनी ट्रे भेज लेते हो लगभग? 25 से 30 ट्रे। कोरोना वायरस से कुछ फ़र्क पड़ा काम पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ अभी बच्चों की छुट्टी हुई है तो थोड़ा तो सेल कम है, पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। चल रहा है काम, गाड़ियाँ बिल्कुल। तो ये जी कहते हैं ना कि वैसे भी मेहनत अगर आप करते रहें और अगर आपके हाथ में हुनर हो तो लोग अपने आप खींचे चले आपके पास आते हैं, और वैसा ही इनका भी हाल है जी डीके भाई का भी, कि कहते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अगर आप उतने प्यार और उतनी मेहनत से उसी चीज़ को रोज़ अंजाम देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो हुनर है वो और ज़्यादा खिल के बाहर आता है, वही इनके साथ है। अगर आपको आना है इनकी दुकान पर तो नीचे आप जाइए, गूगल लोकेशन पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट वो आपको इनकी दुकान पे पहुंचा देगी। नियर बाय मेट्रो स्टेशन है मूलचंद, वहाँ से उतर के सीधा गुरुद्वारे वाली रोड पे आ जाइए, और मदर डेयरी किससे पूछ लीजिएगा, और गुरु नानक रोड जैसे कि इन्होंने बताया उस गुरु नानक मार्केट में ही ये रेडी लगाते हैं, और बड़े मशहूर हैं, रश आपको भीड़ आपको बता ही देगी कितने मशहूर हैं। आ जाइए, खाइए, मज़े लीजिए, और मुझे बताइएगा कि आपको जो इनके ऑमलेट है ना उनका स्वाद कैसा लगा। सच मुझ यार क्या लाजवाब ट्रीट थी, और वो जो अमूल बटर की खुशबू है ना अभी तक मेरे सेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और मज़ा आ गया सचमुच खा के। बट मेरा जो फेवरेट था ना आज वो था जी इनका पोच एग,
भाई क्या लाजवाब था। मैं तो अपने लिए एक पैक करा के लेके जा रहा हूँ और घर पे जाके अपनी मम्मी को बोलूँगा कि एक गर्मा गर्म पराठा बनाइए, उसके साथ मैं वो खाने वाला हूँ। और उसके बाद वो जो इनका चिकन चीज़ सैंडविच था भाई बहुत ही लाजवाब था। आई थिंक 100-110 रुपये के अंडर अगर आपको ये दो चीज़ें आप खा लेंगे ना, मेरे ख्याल से आपको रात भर भूख नहीं लगने वाली है। तो आइए खाइए, इंतज़ार मत कीजिए, ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, साइकिल पर आइए, स्कूटी पर आइए, जिस मर्ज़ी पर आइए, लेकिन अंडे खाने के अगर शौकीन है ना, एक बार अमर कॉलोनी में DK1 सेंटर पर आके खाना ज़रूर। और मुझे ना कमेंट्स में जाके बताना कि आपको इनके जो ऑमलेट के वेरिएशन है ना वो कैसे लगे। मेरे खाने की तलाश हमेशा यूँ ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। अनटिल देन,